कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू टॉपिक। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस पर आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं और व्हाट्सएप पे आप लोगों ने जो मुझे मैसेजेस किए हैं, मुझे काफी खुशी हुई वो सब देख के, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के। और आप लोगों के मैसेज से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। आई होप आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहेंगे ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस, बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर सकूं। और एक बात और स्टूडेंट्स, आई नो कि मेरे वीडियोस में कुछ क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं लाइटिंग को लेकर, ब्राइटनेस को लेकर, लेकिन एज यू ऑल नो कि वी ऑल आर गोइंग थ्रू द नेशंस लॉकडाउन, तो ये लॉकडाउन की वजह से मेरे सामने कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनकी वजह से वी आर नॉट एबल टू वर्क ऑन द क्वालिटी। But I assure you, after the lockdown, the quality of the videos will be improved definitely. Okay? तो आज हम अपना new video शुरू करते हैं। देखिए students, phrase, clause और sentence, ये तीन चीजें जो है grammar में बहुत important role play करते हैं। If you want to become good at writing part, तो आपको पता होना चाहिए कि phrases क्या होते हैं, clauses क्या होते हैं। सेंटेंस हमने काफी हद तक पढ़ लिया है, मैंने अपना पिछले वीडियो जो है उसमें सेंटेंस के बारे में पूरी नॉलेज आपको दी है। ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फ्रेज स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा हुआ यहाँ फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, जिसकी हिंदी है वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्य। फ्रेज क्या होता है, देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट complete sense is called a phrase. ठीक है, देखिए, a group of words, शब्दों का एक समूह तो होगा, which makes sense, उसका एक मतलब भी होगा, but not complete sense, लेकिन वो पूरा मीनिंग नहीं देगा। कब तक? जब तक मैं उसे एक सेंटेंस में यूज ना कर लूं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पर फ्रेजेस लिख रखी हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं, विद रेड हेयर, इसका देखिए जब तक मैं इसे सेंटेंस भी यूज नहीं करूंगी और खाली इतना था बोल के छोड़ दूं, विद रेड हेयर, टू लर्नर ऑन द टॉप ऑफ, इट इज नॉट गिविंग मी अ कंप्लीट सेंस। अगर मैं किसी से बात करूं तो मेरा कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ये कम्युनिकेशन फुलफिल तब होगा जब मैंने इन फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स। आई मेट अ लेडी विद red hair. The bar was on the top of the hotel. Put the piano beside the wall. My uncle went to London. Birds fly in the sky. और वैसे भी आजकल तो लोग को दिख नहीं रहे हैं, बर्ड्स ही दिख रहे हैं ना लॉकडाउन की वजह से। अच्छा है, उन्हें भी खुली सांस लेने का मौका मिलेगा हमारे साथ साथ। और ग्रेट ब्यूटी जो एक फ्रेज है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, देखो, शी वॉज अ लेडी ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस आपको यहां दिख रहे हैं। आई मेट अ लेडी विद रेड हेयर, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इन फ्रेजेस को जैसे ही हम सेंटेंस में यूज कर देते हैं वो अपना कंप्लीट सेंस देने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई मेट अ लेडी विद रेड हेयर, मैं लाल बालों वाली एक लेडी से मिला। द बार वॉज ऑन द टॉप ऑफ द होटल, होटल की टॉप पर था वो बार, है ना। तो आप नोटिस कर सकते हैं कितने फ्रेजेस हैं यहाँ पर, दो फ्रेजेस हैं। ठीक है, लेकिन अलग से अगर बोलकर छोड़ दू ऑफ द होटल तो कोई कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं हो रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, है ना। और द पियानो बिसाइड द वॉल, कहाँ है फ्रेज, बिसाइड द वॉल, कि भाई पियानो को दीवार के बगल में या पास में रख दो। माय अंकल वेंट टू लंदन, मेरे अंकल लंदन गए। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई फ्रेज है। शी वाज अ लेडी ऑफ ग्रेट ब्यूटी, वो काफी ब्यूटीफुल लेडी थी। ठीक है, काफी सुंदर महिला थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तो समझ गया, शब्दों का समूह है और कंप्लीट सेंस नहीं देता जब तक इसे सेंटेंस में यूज ना कर लें।
आपको और किन किन चीजों का ध्यान रखना है देखो इसके लिए आप ध्यान रखोगे पहली चीज कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ठीक है दूसरी चीज जो ध्यान रखोगे वो रखोगे नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है ना कि फ्रेजेस में कभी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता देखो आपको यहाँ पर कहीं भी कोई सब्जेक्ट या फिर कोई वर्ब नजर आ रही है कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा नहीं है ना प्रीपोजिशन है और नाउन है तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है फ्रेजेस में ठीक है और जो थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है नो कंप्लीट सेंस अंटिल used in a sentence, ठीक है इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे आप तो फ्रेज समझ में आया आपको अब हम क्लॉज देखेंगे आप इस स्क्रीन को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे ठीक है देखिए स्टूडेंट्स क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब यहाँ भी आप नोटिस करेंगे ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही है लेकिन इसमें एक अलग बात क्या दिख रही है आपको विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ठीक है फ्रेज में नहीं था ऐसा इज कॉल्ड अ क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा उसको आप क्या कहेंगे क्लॉज कहेंगे देखिए जरा एग्जाम्पल इफ ही कॉल्स मी आई विल टेल हिम द ट्रूथ कंडीशनल सेंटेंस है ये आगे हम डिस्कस करेंगे इनको भी यहां देखिए इफ ही कॉल्स मी आई विल टेल हिम द ट्रूथ क्लॉजेस जो है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ठीक है बेसिकली दो क्लॉजेस जब जुड़ते हैं तो आप उन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं कंजंक्शन का बट है एंड है इफ है ठीक है इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं तो इफ ही कॉल्स मी इसको तो आप कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज ठीक है और आई विल टेल हिम द ट्रूथ इसको आप नाम देंगे इनडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट मतलब आश्रित निर्भर जो किसी पर डिपेंडेंट है और इनडिपेंडेंट जो एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है जो अपना एक अपने आप में पूरा मीनिंग लिए हुए होगा फ्री सेंटेंस होगा ठीक है उसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है क्यों हुआ देखिए अगर मैं किसी को इतना सा कहूं आई विल टेल हिम द ट्रूथ ये मेरा कम्युनिकेशन फुलफिल कर रहा है कि भी मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगा लेकिन अगर मैं कहूं इफ ही कॉल्स मी इतना सा बोल के छोड़ दूं तो आगे फिर क्वेश्चन आएगा क्या अगर मुझे फोन करता है तो आगे क्या मतलब इसका जो मीनिंग है वो किस पर डिपेंडेंट है इस वाले क्लॉज पर डिपेंडेंट है ठीक है तो ये तो हो गया हमारे पास क्लॉज वन और यहां एक और क्लॉज है हमारे पास क्लॉज टू ठीक है तो जरा देख ले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अपनी फीचर्स को कंप्लीट कर रहा है फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा हमने कहा था कि शब्दों का ग्रुप जो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन लिए हुए होगा यहां देखो ही क्या है सब्जेक्ट और कॉल्स क्या है वर्ब मींस का ऑब्जेक्ट हो गया है ना और बेसिकली जो सेंटेंस पैटर्न होता है एस वी या एस वी ओ होता है तो ये अपने आप में एक क्लॉज है क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है यहां देखिए आई क्या है सब्जेक्ट और विल टेल क्या है वर्ब अगेन हिम क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट मतलब ये अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं तो ये क्लॉज वन क्लॉज टू ये डिपेंडेंट क्लॉज है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि उसका अपने आप में एक मीनिंग है इसका मीनिंग नहीं है क्योंकि इसको अपने मीनिंग के लिए उस पर डिपेंड होना पड़ेगा ठीक है ये तो हुआ क्लॉज अब देखिए स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा ये पूरा कहलाएगा एक सेंटेंस है ना मैंने अभी आपको बताया भी था कि सेंटेंस हमने डिस्कस किया था आपको मेरे पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन अ फुल स्टॉप तो ये पूरा जो है वो तो कहलाएगा वाक्य और ये कहलाएगा उपवाक्य क्योंकि एक सेंटेंस में दो तीन चार कितने भी क्लॉजेस हो सकते हैं आप कंजंक्शन से उनको जोड़ सकते हैं ठीक है एक और एग्जांपल लें हम ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्लॉज कैसे पहचानेंगे आप, है ना. आई विल गिव यू द बुक इफ यू रिटर्न इट ऑन टाइम. ठीक है, तो वन बाय वन देखें, ये देखेंगे कि इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसको तो क्या नाम देंगे हम, सेंटेंस, है ना. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पर खत्म होगा. क्लॉज है जानते हैं, आई विल गिव यू द बुक. यहां देखो लिख रहा ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस का ही तो एक हिस्सा होगा. जितने क्लॉजेस होते हैं उनसे मिलके पूरा वाक्य तैयार हो जाएगा, है ना. तो आई विल गिव यू द बुक, ये हमारा क्लॉज वन. ठीक है, और इफ यू रिटर्न इट ऑन टाइम, ये है हमारा क्लॉज टू. ठीक है, अब ये पहचाने कि क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो कौन सा डिपेंडेंट होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट होगा. देखो, आई विल गिव यू द बुक, मैं तुम्हें किताब दूंगा, यहां तक मेरा कम्युनिकेशन फुलफिल हो रहा है. इसको अपने मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, है ना. और जरा देखो यहां पे आई सब्जेक्ट है और विल गिव यहां पर वर्ब है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी पूरा हो रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो ये मेरे पास एक क्लॉज वन तैयार हो गया, जिसको आपने क्या कहा है, इनडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, दूसरा है इफ यू रिटर्न इट ऑन टाइम. अगर मैं इतना सा बोल के छोड़ दूं, अगर तुम ये मुझे समय पर दे दोगे तो क्या, आगे कुछ नहीं है. इसका मतलब इसको इसके मीनिंग के लिए एक और सेंटेंस पर डिपेंड होने की जरूरत है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, आपको फ्रेज और क्लॉज समझ में आ गया. तो देखो अब इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है आपको. पहली चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड इसमें भी होगा. दूसरी चीज, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होगा, फ्रेज में नहीं था, इसमें जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. तीसरा, कंप्लीट सेंस और नो कंप्लीट सेंस, दोनों ही चीजें हैं देखो इसके साथ में. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज में भी था, इसमें भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें होगा, फ्रेज में नहीं होगा, उसमें केवल प्रीपोजिशन और एक नाउन होती है. उसमें वो कंप्लीट सेंस तब तक नहीं देता जब तक उसको सेंटेंस में यूज ना कर दूं, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हैं, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. बता सकते हो क्यों, सोच के देखो. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में इसका जवाब आ गया होगा. देखो क्यों, क्योंकि मैंने कहा क्लॉजेस दो तरीके के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो देखो बच्चों, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास है जिसको किसी भी और दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो ये तो देखो अपने आप में एक सेंटेंस हो ही गया ना भाई, सेंटेंस का एक हिस्सा है. तो अगर मैं इतने से क्लॉज की बात करूं, आगे उसको सेंटेंस को लिखूं ही, तो ये अपने आप में एक वाक्य ही तो हुआ. ठीक है, तो वाक्य हुआ, तो ये वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अधूरा मीनिंग लिए हुए है, इसको और किसी पर डिपेंड होने की जरूरत है, इसलिए ये वाला क्लॉज जो है वो क्या है, नो कंप्लीट सेंस, ये नहीं देगा कंप्लीट सेंस. क्लियर है, और ये वाला जो है वो कंप्लीट सेंस देगा. ठीक है, सो आर यू रेडी टू डिस्कस मोर एग्जांपल्स, आप नोट कर लो इसको. देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जांपल्स अब हम थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं ताकि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा ग्रुप फ्रेज होगा, कौन सा ग्रुप क्लॉज होगा. ये सभी के सभी क्या है, सेंटेंस, है ना. सेंटेंस के अंदर जो वाक्य का अंश होता है उसको फ्रेज कहोगे, और वाक्य का जो एक हिस्सा होता है उसको आप उपवाक्य कहोगे. एक छोटा सेंटेंस कह सकते हो आप, जिसका अपना सब्जेक्ट, जिसका अपना वर्ब होता है. ठीक है, चलिए, द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो. बताइए यहां द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो. ऑन माई टो शब्दों का एक समूह है, लेकिन ये देखिए अगर मैं इतना सा कह दूं मेरे अंगूठे पर, क्या कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं होना ना. इसका मतलब ये क्या है, फ्रेज है. ठीक है, मेक योर सेल्फ, मैं शॉर्ट में लिख देती हूं पी. ठीक है, मेक योर सेल्फ एट होम,
ये तो हमारे दिल दिमाग में घुस चुका है लॉकडाउन के टाइम पे, है ना। मेक योर सेल्फ एट होम, नहीं तो मोदी जी डांटेंगे। मेक योर सेल्फ एट होम, यहाँ जो एट होम है अकेले कम्युनिकेशन को फुलफिल नहीं कर सकता अंटिल वी यूज दिस इन अ सेंटेंस। अगेन ये भी क्या हो गया आपका, फ्रेज हो गया, है ना। द सेंट्स यूज्ड टू लिव इन द हट्स ऑफ वुड, जो सन्यासी हैं वो कहाँ रहा करते थे, इन द हट्स ऑफ वुड। ऑफ वुड अकेले कोई सेंस नहीं दे सकता, ये एक फ्रेज है। लेकिन देखिए मैंने इस सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा है, द सेंट्स यूज टू लिव इन द हट्स, सेम है ना, विच वर मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से बनी हुआ करती थी। अब देखो यहाँ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विच क्या है, सब्जेक्ट है ना, वर मेड ये क्या है, वर्ब, ये पूरा वर्ब वाला हिस्सा है। तो मैंने आपको कहा था ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन लिए हुए होता है उसको क्या कहोगे, क्लॉज। तो भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका, क्लॉज है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि अपना पूरा एक मीनिंग दे रहा है ना, ठीक है। यू मे सिट ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, खाली ऑन द चेयर कोई सेंस नहीं देगा, इसलिए हमारा फ्रेज हो गया है। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, सेम चीज है, देखो कौन लैंग्वेज है, सबकी लैंग्वेज पर अपनी अलग कमांड होती है, कोई किस तरीके से सेंटेंस बोलेगा, कोई किस तरीके से। तो यू मे सिट ऑन द चेयर, वही किसी ने कहा यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। तो वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर सब्जेक्ट है, सॉरी कंजंक्शन है ना, वेयर एवर कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, और लाइक यहां पर क्या हो गया है, वर्ब। तो ये क्या हो गया वहां, हमारा क्लॉज हो गया, ठीक। सेम चीज को शो करने के लिए कहीं फ्रेज कहीं क्लॉज, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, जो मर्जी वो यूज करो, है ना। व्हेन शी रीच्ड होम शी सॉ मी एंड शी ग्रीटेड मी, ये पूरा यहां से वहां तक तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। व्हेन शी रीच्ड होम, ये मेरा क्लॉज है जिसमें मेरे पास शी सब्जेक्ट है और रीच क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। तो क्लॉज को क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, क्लॉज हो गया। शी सॉ मी, शी सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ये हो गया हमारा दूसरा क्लॉज। मैंने कहा था ना दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं एक सेंटेंस में। शी ग्रीटेड मी, शी सब्जेक्ट है, ग्रीटेड वर्ब है, ये भी हो गया हमारा क्लॉज। कितने क्लॉज है इस सेंटेंस में, तीन क्लॉजेस है, है ना। चलो अब ये देखें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। ऑब्वियसली देखो डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ा होता है ना। शी सॉ मी अपने आप में स्टैंड अलोन सेंटेंस, उसने मुझे देखा, किसी की जरूरत नहीं, इसलिए कैसा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट फ्री, है ना। शी ग्रीटेड मी, उसने मुझे ग्रीट किया, स्टैंड अलोन सेंटेंस है, किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है मीनिंग के लिए, कैसा हो गया आपका, इंडिपेंडेंट। लेकिन व्हेन शी रीच्ड होम, मैंने कहा जब वो घर पहुंची तो आगे क्या, कुछ ना कुछ चाहिए ना, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर है ना। शी स्पोक टू मी पोलाइटली एंड स्लोली, शी स्पोक टू मी पोलाइटली एंड स्लोली, ये एक शब्दों का समूह है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, हालांकि ये मैनर बता रहा है किसी काम को करने का, लेकिन इसको आप फ्रेज कहोगे, ठीक है, जिसका अकेले कोई सेंस नहीं है जब तक आप इसको सेंटेंस में यूज ना कर लो, ठीक है बच्चों। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से इलैबोरेट तरीके से फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो आप या तो मुझे व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेज सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स मजा आया आज की क्लास में, आई होप आपको डिफरेंस करना समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। मेरी सेम रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, आग की तरह फैलाइए, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने अपनी टीचिंग छोड़ी नहीं, बच्चों तक पहुंचना मैंने छोड़ा नहीं। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लॉकडाउन। भगवान से यही दुआ है कि जल्दी से ये जो कष्ट का समय है हम सबकी लाइफ में ही जल्दी से निकले और कोरोना जल्दी से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। Enjoy our lockdown with cooking, reading, and with my videos. Thank you so much.